ऐसे नहीं, कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं। हमारे पास में एक वेट स्केल है, हम सिंपल इसको उल्टा करके यूँ चलाने वाले हैं ताकि इससे पता चलेगी एयर का जो फ्लो है वो कितना तेज़ है। एक नंबर पे 100, लगभग 100 ग्राम का ये प्रेशर दिया है एक नंबर पे। ओके, अब दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं। दूसरे नंबर पे 225, और बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे इसको एक बार फुल पे चलाते हैं 6 नंबर पे, और फिर देखते हैं कि ये कितना प्रेशर देती है इसके ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के एक और वीडियो में, और काफ़ी लंबे समय के बाद में ये अनबॉक्सिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इस अनबॉक्सिंग वीडियो में आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक मल्टीपर्पज़ जो हाई स्पीड ब्लोअर होता है, ब्लोअर कम वैक्यूम क्लीनर। तो ये बेसिकली हमने ऑफकोर्स अमेजोन से ही लिया है, और इसकी जो कीमत है वो एट प्रेजेंट 1770 रुपये के आसपास रही है, और ये काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हम जो चेस्टन का यूज़ करते थे वो क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो लगभग एक साल में उसकी बैंड बज गई और हमें कुल मिला के उसको स्क्रैप करना पड़ा। और अल्टीमेटली अब ये एक और नया जो ब्लोअर प्लस वैक्यूम क्लीनर 2-in-1 फंक्शन के साथ में आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। एक हाथ से अनरैप करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं हाँ, लेकिन फाड़ना आसान होता है, तो ये मैंने फाड़ दिया। और पहले प्लास्टिक बैग में आता था, अब जो है सरकार के नियम के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, अच्छी बात है, इको फ्रेंडली पेपर हमें मिल रहा है। तो ये निकल गया बाहर की तरफ। तो गाइस, बिल्ड स्किल प्रो का ये ब्लोअर है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहले ही खुल चुका है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन से लें तो पहले साथ ही साथ उसकी अनबॉक्सिंग भी बना लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कई बार जो डिलीवरी करने वाले होते हैं वो आपके साथ में गेम कर सकते हैं, अंदर से एक्चुअल चीज़ें निकाल के आपको कुछ भी मटेरियल दे सकते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग हमारे इस काम भी आएगी अगर ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं निकला तो, लेकिन देख के लग रहा है कि ये वो ही है जो हम चाहते हैं। तो बॉक्स कंटेंट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इसके ये दो हॉस पाइप दिए हुए हैं, अंदर मैनुअल जैसा कुछ भी नहीं है। मैनुअल निकला है मैनुअल। तो गाइस, बॉक्स कंटेंट के बाद में एक बार देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट, बिल्ड टेस्ट, बिल्ड स्किल टेस्टेड एंड अप्रूव, पता नहीं कहाँ से अप्रूव किया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह कुछ ज़रूरी चीज़ हमें समझ में आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों के जैसा कि हमको डाउट था कि ये चाइना में बना हुआ हो सकता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय बिल्ड स्किल इंट्रेड इंट्रा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड विलेज खसर नंबर। ये कुल मिला के इसमें कहाँ कंट्री ऑफ ओरिजिन इस प्रोडक्ट के बनने की कहाँ पे है, ये जानकारी जो है शायद इस पर नहीं दी है दोनों तरफ अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने जो ब्रोशर है उसमें भी हर जगह देखा, कहीं भी जो इसका मेड ऑफ है कहाँ पर ये बना है ये नहीं दिया हुआ है। इम्पोर्ट ये सारी डिटेल दी हुई हैं। चलिए बॉक्स को एक तरफ रख देते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो मेन कंटेंट है वो क्या क्या है। तो ये वैक्यूम क्लीनर के लिए एक डस्ट बैग है जो आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये हॉस पाइप है प्रेशर के लिए, बढ़िया है। यूज़र मैनुअल, पहली बार हिंदी में देख रहा हूँ मैं निर्देश पुस्तिका यूज़र मैनुअल का शायद हिंदी, और अच्छी बात यह है कि बिल्ड स्किल बेसिकली एक इंडियन कंपनी है, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है शायद बनता तो PRC में ही है। यहाँ पर अपने साथ अपने ब्रांडिंग के साथ में बेचा जाता है। कोशिश हम लोग करते हैं कि इंडियन कंपनी, अगर कोई ऑप्शन नहीं है मेड इन इंडिया कंपनी में तो हम कंट्री जो कंपनी है वो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए। अब इंपोर्ट कर रही है ये तो दिख ही रहा है, इसमें आप देख सकते हैं
मार्केटेड एंड इम्पोर्टेड बाय बिल्ड स्किल इंट्रा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी है। ये हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद में जो मेन आइटम है वो ये है, ये मशीन है, आप देख सकते हैं। ये एडिशनली इसके साथ में शायद यहाँ पर लगने के लिए दिया हुआ है, तो ये इसकी एक जाली है जिससे कि बड़ा कचरा इसके अंदर ना जाए। और ये यहाँ पर इसका एक हॉस पाइप दिया हुआ है जिसको कि हम कुछ इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। एक हाथ से काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरा स्टैंड भी जो है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से फिट हो गया है। यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है कि इसको आप घुमा सकते हैं। ओवरऑल इसकी क्वालिटी अगर देखी जाए तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है। अगर यहाँ पे मोटर देखी जाए तो मोटर इसमें 850 वाट की है। इससे पहले हमारे पास में चेस्टन का था, उसमें 380 कुछ 400 वाट की मोटर थी। तो वोल्टेज तो ये बहुत ज़्यादा लिख देते हैं पर एक्चुअल रेटिंग उसकी होती नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड दी हुई है, एक नंबर से लेके छः नंबर तक इसमें स्पीड दी हुई है। अब आइए बिना किसी देरी के चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। अगर इसको हम हमेशा इसमें लगा के रखें, कुल मिला के जो हवा आएगी वो भी डस्ट प्रूफ ही आएगी, ऐसा मान सकते हैं। मैं इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जाली हमने लगा ली है। शायद ब्लोअर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम वैक्यूम एज ए वैक्यूम क्लीनर इसका यूज़ करेंगे तब हमको ये वाला पाइप यहाँ लगाना है और इसको यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको एज ए ब्लोअर टेस्ट करते हैं कि कितनी पावरफुल मोटर इसमें दी हुई है। देखिए कुछ चीज़ें तो इसमें देखी जाती हैं कि इंडिया में बनी हुई है। जैसे इसका ये जो प्लग है, ये आप प्लग देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो मतलब पावर केबल तो कुल मिला के यहाँ बनी हुई है, बाकी इसके ऊपर जो लिखा है ऐसे कोई डिटेल नहीं दी हुई है। बॉक्स के ऊपर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है। अब देखते हैं ये कितना पावरफुल है। तो इस वायर की अगर बात की जाए तो वायर आप देख सकते हैं कि लगभग 2-2.5 मीटर लंबा इसका वायर है, जो अभी तक के जितने भी ब्लोअर हमने लिए हैं तो उसमें शायद सबसे लंबा है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और चलिए इसका श्री गणेश करते हैं, पहले एक नंबर से ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं, कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं। तो गाइस वैसे थ्रस्ट को अब ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, हमारे पास में एक वेट स्केल है। हम सिंपल इसको उल्टा करके यूँ चलाने वाले हैं ताकि इससे पता चले कि एयर का जो फ्लो है वो कितना तेज है। एक नंबर पे लगभग 100 ग्राम का ये प्रेशर दिया है एक नंबर पे। ओके, अब दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं। दूसरे नंबर पे ये 125, और बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे इसको एक बार फुल पे चलाते हैं 6 नंबर पे, और फिर देखते हैं कि ये कितना प्रेशर देती है इसके ऊपर। काफ़ी बढ़िया प्रेशर है, 320 ग्राम तक का प्रेशर ये दे रही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं फुल स्पीड पे। बहुत ज़्यादा तूफान तो नहीं आ पाया है, कहीं और ट्राई करते हैं। ये लॉबी बिल्कुल खाली है और यहाँ पर हम देखते हैं कि धूल उड़ती है या नहीं। हालांकि धूल तो उड़ ही जाएगी।
आप देख सकते हैं पेड़ों तक इसकी जो हवा है काफ़ी दूर तक जा रही है, दरवाज़ा भी हिलने लगा है। सुनील कैसी हवा है, आ रही है हवा वहाँ तक आ रही है? और दूर जाओ थोड़ा दूर। आ रही है, बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर किसी ब्लोअर की जो हवा है वो अगर लगभग 2-3 मीटर तक जाती है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं। और सीधे अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया 320 ग्राम तक का जो एयर थ्रस्ट है वो इस वेट स्केल के ऊपर इसने डाला, इसका मतलब बढ़िया क्वालिटी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये अनबॉक्सिंग और बिल्ड स्किल प्रो का ये हाई स्पीड ब्लोअर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ये लेना हो तो अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये है बढ़िया प्रोडक्ट, क्योंकि आपने देखा कि हमने कुछ कुछ तरीक़ों से इसको, इसका जो थ्रस्ट है उसको चेक भी किया, और ऑन एन एवरेज क्योंकि हम इससे पहले वाले जो ब्लोअर थे उनको चेक कर चुके हैं तो ये काफ़ी अप टू द मार्क निकला है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट फॉर मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियोस। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में, कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।